ऑटो एक्सपो 2023 में इस साल कई बड़ी कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रही हैं। टोयोटा भी उनमें से एक है। हालांकि टोयोटा ने इस साल ऑटो एक्सपो में कुछ नया नहीं किया है, लेकिन अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाए हैं जो ईंधन के अलावा अल्टरनेट फ्यूल से चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टोयोटा मिराई FC EV की। ऑटो एक्सपो 2023 में प्रदर्शित मिराई दूसरी पीढ़ी की फ्यूल सेवी ईवी यानी कि FC EV सेडान है, जिसका 2020 में वैश्विक स्तर पर अनावरण किया गया था। ये पुराने मॉडल से बिल्कुल नई दिखती है। इसके अलावा इसका डिजाइन भी अलग है, जिसमें स्लिक स्टाइल, लो स्टांस और कूप जैसा स्लोपिंग रियर दिया गया है। अब बात करते हैं टोयोटा करोला H2 कॉन्सेप्ट के बारे में। हाइड्रोजन से चलने वाली टोयोटा की कॉन्सेप्ट कार करोला H2 को भी ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया है। इस गाड़ी का लुक काफी कमाल है। देश में सरकार हाइड्रोजन को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि टोयोटा भारत में आने वाले कुछ सालों में इस गाड़ी को टेस्ट कर सकती है। अब बात करेंगे टोयोटा करोला फ्लैक्स फ्यूल के बारे में। लेफ्ट हैंड ड्राइव करोला फ्लैक्स फ्यूल हाइब्रिड को ऑटो एक्सपो में फिर से प्रदर्शित किया गया है, जिसे पहले अक्टूबर 2022 में दिखाया गया था। फ्लैक्स फ्यूल इंजन से लैस वाहन मिक्स्ड फ्यूल के अलावा वैकल्पिक ईंधन पर चल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी टीवी भारत।